हेलो फ्रेंड्स, तो हमने मंगवाया है एक बहुत ही अजीब सी चीज़, इन्फ्लेटेबल बेड फॉर कार। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो देखते हैं ये वर्थ है कि नहीं मंगवाना। और इसका प्राइस है अराउंड 2000 रुपये। तो लेट्स सी क्या क्या आता है इसमें और ये काम भी करता है कार में या नहीं। तो देखते हैं। पैकिंग तो अच्छी लग रही है थोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये ओपन कर लिया, इसको निकाल के देखते हैं। पैकिंग तो काफ़ी सही लग रही है, बैग में है, साथ में कुछ 5-स्टार रिव्यूज का वो है, बिल है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, तो इसमें ये शायद पंचर फिक्स करने के लिए है। दो इसमें ब्रांडेड टाइप है और एक ट्यूब है, और एक इसमें ये पंप है, जैसे ये हवा भरने के लिए है, इन्फ्लेट करने के लिए। और वाह, बेस्ट पार्ट ये कि कार के पावर प्लग में कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें 3 तरीके के नोजल दिए हुए हैं, देखते हैं क्या यूज़ होता है इनका। ओके, इसके अलावा हम इसको खोलते हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है जो कार में लेग स्पेस में रखने के लिए होता है, शायद वो होगा। इसको भर के भी हवा देखेंगे। और फिर ये 2 पिलोज हैं इसके साथ, इनकी क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। और इसके बाद एक ये बेड है जो बैक सीट में और जो लेग स्पेस है उसमें सेट हो जाएगा। सही से लग रहा है क्वालिटी, तो ठीक है। अब इसको हम कार में सेट करके देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एडजस्ट होता है, कितना कंफर्टेबल है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो चलते हैं कार की तरफ। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि हमने लिया है इन्फ्लेटेबल बेड, तो मैंने इसकी अनपैकिंग करके दिखाई। अब मैं इसके लिए आपको इसमें कार में यूज़ करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, काम करता भी है या नहीं। तो एक ये पंप है, इन्फ्लेटेबल पंप, जिससे कि हवा भरेंगे हम। ये 2 पिलोज हैं और ये मेन बेड है, और ये शायद स्टूल है इसका जो नीचे रखते हैं। तो पहले हम इसमें हवा भर के चेक करते हैं। और बाकी पंचर किट वगैरह थी इसमें, हाँ वो पड़ी हुई हैं। तो ठीक है, तो पहले हम इसको खोलते हैं। और ये शायद मेरी बलिनो कार है, बलिनो जेटा, तो हम बलिनो जेटा के साथ इसकी फिटनेस चेक करेंगे कि कैसे फिट होता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं प्लग को, ये फिट कर दिया मैंने। अब इसके लिए मुझे गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, इग्निशन, तो 1 सेकंड देना मुझे। तो फ्रेंड्स ये चलने लग गया। अब मुझे इसमें आवाज़ बंद कर, मुझे इसमें फिट करना पड़ेगा कनेक्टर इसका। तो लेट्स सी कौन सा कनेक्ट होगा इसमें। इसके पहले मैं इसका नोज़ल देख लूं। ओहो, ये रहा। तो इसमें मुझे लगता है ये वाला सबसे मोटा वाला लगेगा, तो इसको इसमें फिट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच है, तो वो मैं प्रेस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कैसे शुरू होता है ये। तो शायद हवा भर रही है इसमें, लेकिन अभी तो मुझे बहुत स्लो लग रही है कि बहुत स्लो स्लो हवा भर रही है इसमें। देखते हैं। ओ वाओ, भरने लग गई है। इसको चेक करेंगे, तब तक मैं इसकी सीट आगे कर लेता हूँ, ड्राइविंग सीट।
और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना टाइम लगता है। यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ से हवा सर्च करता है और यहाँ पे पंप कर रहा है। तो एसी को कंफर्म है कि हमारा पंप सही चल रहा है, उसमें हवा फिल हो रही है। और मैंने आपको इसकी प्राइस बताए थे, ये अराउंड 1800 का है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, पंप एंड ये सब। हाँ तो फ्रेंड्स, ये लगभग पूरा फुल हो चुका है, थोड़ा सा रह रहा है, तो इसमें मे भी और हवा डालते हैं, देखते हैं कितनी आ जाएगी। बस करें, या और आ जाएगी अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा कम ही एयर भर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। ये तो लीक हो रहा है। अच्छा, ये ढक्कन इसका हमें बंद करना पड़ेगा, बंद, अदरवाइज ये थोड़ी थोड़ी एयर इससे लीक होती है। आई डोंट नो, ये ऐसे ही है या फिर कोई इसमें दिक्कत है। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिट हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें भी और हवा भरनी चाहिए हा? तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ी सी और हवा डालने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी और हवा भर दी हमने इसमें, देखते हैं। तो ये बेसिकली एक स्टूल की तरीके काम करेगा, हमारा जो ये लेग स्पेस होता है उसमें फिट होने के लिए। यहाँ आप थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ी है, तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे कि हम ज़्यादा एयर फिल नहीं करेंगे। अब बारी आती है इसके बेड की, इसमें हवा डालते हैं, सेम जो ऑप्शन है, अगर आपको हवा भरनी है तो इसको इसमें फिट करो। तो मैं पास से दिखाता हूँ कि ये डायरेक्ट है, यहाँ से एयर निकालनी हो तो ये निकल जाएगा। आपको एयर भरनी है तो पहले इसको लगाना पड़ेगा, देन इसमें आप एयर भरोगे, ऊपर से इसको कैप को बंद करोगे। तो हम इसमें भी, ठीक है, ये जो बेड है इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेरिजन में ये जो नीचे स्टूल टाइप था। तो मैं इधर से बंद करके उस साइड आ जाता हूँ और इसको ऐसे लग लेता हूँ, ये शायद नीचे रहेगा। तो एक बार फुला लेते हैं पूरा, हवा भर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो मैं साइड आ जाता हूँ और देखता हूँ, नहीं मैं साइड ही जाता हूँ। तो इसमें जो एयर जा रही है मुझे लगा बहुत स्लो स्पीड से जा रही है, जैसे पहले वाला था उसमें जल्दी भर गई थी। एक बार मैं चेक करता हूँ कि इसके नोजल में कोई दिक्कत है क्या। इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हाँ यार, ये तो बंद सा लग रहा है, अगर हम डायरेक्ट भरने की ट्राई करें तो। अब बहुत तेजी से भर रहा है, देखा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसमें डायरेक्ट भर लो जितनी आ सके, इसके बाद इसका यूज़ करो, क्योंकि ये जो है
अब इसमें जा रही है यार, काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया हमने। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें यार जा रही है, और अब ये काफ़ी फूल चुका है, इसमें एयर भर चुकी है। थोड़ा सा और देखते हैं, मैक्सिमम भरने का ट्राई करते हैं। तो इसमें ना एक ये भी है, ये शायद जाना चाहिए इस साइड। तो अभी इसे निकाल के, नहीं नहीं ये इसी साइड ठीक है। हाँ ये चीज़ है ना उधर जाएगी मैं भी शायद, नहीं नहीं ऐसे ही कुछ ऐसे है। और इसमें लेटने के लिए सही है, काफ़ी सही है। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मेरे जो पूरे पैर हैं वो नहीं आ पाएंगे। एक बार दरवाज़ा बंद करना ये हटा के। हाँ तो इस तरीके से मैं कुछ आ सकता हूँ कि मेरे जो पैर हैं वो पूरे स्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कार की वजह से। बट मैं पैर ऐसे रख के और ईजिली, हाँ लेकिन ये जो स्पेस है वो काफ़ी हो गया है, मतलब अगर दो पतले लोग हों तो वो आराम से लेट सकते हैं इसमें। अब ट्राई करते हैं इसकी पिलोज, और ये जो इधर साइड था ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो अब इसकी पिलोज ट्राई करते हैं कि पिलो कैसी है फ्रेंड्स। तो ठीक है अब मैं इनमें एयर डालता हूँ। अच्छा तो ये जो इसका पतला वाला नोज़ल है वो है इसके लिए। ओ और ये शायद था बेड के लिए, इस वजह से हवा नहीं जा रही थी उसमें, तो इसकी वजह से ये अंदर तक जाएगा और उसको पुश करेगा। अब समझ आ गया मुझे, ये इसमें लगेगा। नहीं अभी तक तो नहीं गई इसमें। इसमें ना ये भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे इसका सिस्टम समझना पड़ेगा, अभी तक ये काम सही से कर नहीं रहा है। दूसरी पिलो में टेस्ट करते हैं। और दूसरी पिलो में हवा भर गई। इन फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस मिलता है बैठने में और लेटने में। ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।